उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खान के माफीनामे को नामंजूर करते हुए उन्हें दोबारा हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल आजम खान ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। आजम खान के इस बयान पर एतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा था, जिसके बाद आजम खान ने आज उच्चतम न्यायालय में माफीनामा दाखिल किया। लेकिन इस हलफनामे पर कोर्ट ने कई सवाल खड़े करते हुए इसे खारिज कर दिया है। दरअसल अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और मामले में कोर्ट के सलाहकार फली नरीमन ने इस पर एतराज जताया है। दोनों का कहना था कि आजम ने काफी बड़ा हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें मीडिया में अपने बयान की गलत रिपोर्टिंग की दुहाई दी गई है और साथ ही ये लिखा है कि अगर पीड़िता को तकलीफ हुई हो तो उन्हें पछतावा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का हलफनामा बिना शर्त माफी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई है। वहीं अब आजम को 15 दिसंबर तक नया हलफनामा दाखिल करना है। तो अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले नेता आजम खान पर उनका बयान ही भारी पड़ता दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार भी खानी पड़ रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।